बीजेपी नेता सुनील मुसेपुर ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए धार्मिक स्थानों के लिए बस सेवा की शुरुआत की है। इस बस सेवा में भक्त मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। आज भी श्रद्धालुओं से भरी 3 बसों को रेवाड़ी से श्री खाटू श्याम जी और श्री सालासर धाम के लिए रवाना किया गया। सुनील मुसेपुर ने बताया कि अब हर शनिवार रेवाड़ी से अलग अलग धार्मिक स्थानों के लिए बसों को रवाना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के अभाव में तीर्थ स्थानों पर नहीं जा पाते हैं, इसे देखते हुए इस बस सेवा की शुरुआत की गई है। जो भी भक्त इन बसों में जाना चाहता है वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। दरअसल ये धार्मिक यात्रा है, हमने रेवाड़ी की जनता को जो लोग नहीं जा पाते आर्थिक तौर पे या वैसे भाईचारे से नहीं पहुंच पाते, इकट्ठा जाना चाहते हैं, उनके लिए एक यात्रा शुरू की आरती यात्रा के नाम से, कि वहाँ आरती के टाइम पे पहुँचाएँ उनको और वहाँ आरती का वो आनंद ले पाएँ। इस तरीके से खाटू श्याम जी की, सालासर बालाजी की आज से शुरुआत की है ये यात्रा, और आने वाले टाइम में हर शनिवार इतवार को हम लोग ये यात्रा को और बढ़ाएंगे। कभी मेहंदीपुर बालाजी का भी प्रोग्राम रहेगा, कभी हरिद्वार का, ऋषिकेश का, लक्ष्मण झूला का, हरिद्वार का गंगा जी स्नान के लिए जाएंगे। गंगा स्नान के बाद इधर मथुरा वृंदावन वगैरह और आपका गिरिराज जी के परिक्रमा का दौर रहेगा। इसके साथ साथ आने वाले टाइम में वैष्णो देवी की यात्रा भी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो शनिवार इतवार को हमारी रेवाड़ी की जनता के लिए एक वो है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धर्म से जुड़ें और धर्म की जिनकी आस्था है, जो लोग नहीं जा पाते अपने लेवल पे, वो लोगों को साथ लेके हम इसको आगे बढ़ाएं। धर्म के लिए हमारे मन में एक श्रद्धा है कि हमारे सभी लोग धर्म के प्रति बड़े जागरूक हैं, तो धार्मिक यात्राएं तो होती रहनी चाहिए और ये हर समाज करता रहता है। इसी के दौरान हम भी यात्रा शुरू की और हम भी करवा रहे हैं। आज यहाँ से हमारी 3 बसें रवाना हुई हैं और करीब 150 लोग गए हैं, 155 लोग के करीब गए हैं उसमें। तो इन लोगों के श्रद्धा के भाव से, जो जो श्रद्धा से जुड़े हुए थे सब लोग, मैंने आपका एक सिस्टम बना रखा है कि फ़ोन नंबर है, एक फ़ोन नंबर पे आप अपना रजिस्टर कराएं और उसके बाद जाएं। इसमें कोई हम पैसा नहीं किसी से चार्ज करें, क्योंकि धर्म के नाम पे लोगों का अलग व्यू होता है कि कुछ किस तरह से चलते हैं, कुछ किस तरह से चलते हैं। हम धर्म के नाम पे ऐसा कुछ नहीं करते। हम सिंपल जो लोग सक्षम नहीं है, पहल कोशिश है कि उन लोगों को धर्म के उससे जोड़ा जाए।